देश भर में मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मस्जिद और मदरसों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने इस त्यौहार को वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया। आज के इस मुबारक मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को हम बड़े आन बान शान के साथ मनाने की पूरी कोशिश की और हम लोग उसमें कामयाब हुए। पर जिस तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया, इसके लिए हम सब दुखी हैं। और हम ये चाहते हैं, शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जैसे दूसरों को उनके त्यौहार मनाने दिया जा रहा है, उसी तरीके से हम लोगों को भी मनाने दिया जाए। जो हम लोगों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाता है ये गलत है। हम ये चाह रहे हैं कि हमको, हमारा तो कार्यक्रम शांतिपूर्वक होता है और हमारा बिल्कुल ना शोर शराबे का कोई कार्यक्रम है, ना हमारा कोई ढोल मजीरे वाला कार्यक्रम है, ना हमारा डीजे का कोई। हम लोग तो शांति के साथ अपना पैगाम लोगों तक देते हैं और हमेशा हम देते रहेंगे। और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें भी परमिशन हर त्यौहार में दिया जाए और भेदभाव वाला कार्यक्रम ख़त्म किया जाए। शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और उनको मुबारक पेश करते हुए सीरत पाक की किताब तथा फूलों का गुलदस्ता पेश किया। आपको बता दें, ईद मिलादुन्नबी के इस त्यौहार को मुस्लिम समाज द्वारा आन बान और शान के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते कई कार्यक्रम इस दौरान नहीं हो सके, परेशानियां भी कम हुई हैं, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल मध्य प्रदेश।